क्या बोलूं, मेरे भाई को मारा है, जिसको फांसी होनी चाहिए बस। मेरी मांग ये है, ये मेरा बेटा गया और मेरे बच्चे रोए जैसे वो उसको फांसी लगे। हमारे बच्चों को भी खतरा है, रातों का आपके साथ तेज डराते मारा था यहाँ पे छाती छाती। इन मामलों में किसी को भी ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जिन देशों ने इन जिहादियों पर ध्यान दिया या जिहाद पर ध्यान दिया, आज वो देश बर्बाद हो रहे हैं, वो पाकिस्तान हो कि बांग्लादेश हो या सीरिया इत्यादि अन्य देश हो। क्या बोलूं, मेरे भाई को मारा है, जिसको फांसी होनी चाहिए बस। क्या हुआ था घटना? घटना का झगड़ा हुआ था, जो वहाँ पे पानी भरा था, खड्डा हो रखा था, वो बंदा बेट रक्षा चलाता है, बेट रक्षे से हमारे भाई के छींटे लग गए। तो छींटे लगने के बाद में मेरे भाई ने बोला था, मतलब भाई थोड़ा धीरे चला ले गाड़ी, मेरे पास में छींटे आ गए, तो वो गाड़ी को तबक दिया, मतलब गाड़ी क्लोज कर दिया। गाड़ी क्लोज करने के बाद में तो मेरा भाई ने भी गाड़ी क्लोज कर दी थी, तो वो उतरने के बाद में मारपीट चालू कर दी थी। फिर उस टाइम पे वो गाड़ी लेके भाग गया और मेरा भाई घर पे आ गया। फिर वो 8-10 बंदे लेके आया था अपने, जैसे मेरे भाई के यार दोस्त बोले आओ थोड़ा थोड़ा घूम के आते, बाहर उसको वहाँ पे दबोच लिया और वहाँ पे बुरी तरीके से मारा और उनकी भाई की वही हत्या हो गई। अरे बाबू, मैं तो गोविंद जी के गई हुई थी, मैं तो रात को 10 बजे आई, 10 बजे से पहले आ गई होगी। तो उसके अंदर शाहरुख ने बोला तेरे लाला को मारे, तो कहाँ गई मैं कि मैं गोविंद जी के गई थी, लाला घर पे था नहीं। इतने थोड़ी सी देर में वो लाला आ गया, वो आके यहाँ सोया, उसका ये थोड़ा हुआ था सीना, सीना पे पत्थर पटका हुआ था। मैंने देखा यही खून आ रहा है, वो कैर मदी लाला खून आ रहा है, बोला मम्मी तू बाहर चल जा, इतना सा बोला फिर गया वो, इतना सा बोला था। क्या हुआ था, कौन था मारने वाले? मारने वाले का पता ही नहीं है मेरे को, मेरे को पता नहीं है, थम ही है। उनने फोन किया था, गाड़ी वाले ने, बेटी गाड़ी वाले ने फोन करके बुलाया। मेरी मांग ये है, ये मेरा बेटा गया और मेरे बच्चे रोए जैसे वो उसको फांसी लगनी चाहिए। अब वो एक है, चार है, उनसे मतलब नहीं, मगर उनको एक में से तो फांसी लगनी चाहिए। हमारे मोहल्ले में इतनी गद्दारी चलती है, मुसलमानों का एरिया है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं उनको छेड़ते, महिलाओं को छेड़ते, तो हमारे बच्चे को भी खतरा है, हमारे बच्चे को भी खतरा है, रातों को आप चाहते डराते। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारा इंसाफ हो, हमारा इंसाफ हो, मियाँ भाइयों को सजा मिले या उसको गोली लगा दे। जब सुधरे का मोहल्ला, वो घर पे आए थे, घर पे आए थे और रोटी वोटी डाल दी थी, मैं खा लिए थे, सोने लगे तो ऐसे, मतलब वो जीतू आया था, जीतू कह रहा था चल मेरे साथ चल। 8 जने इंसान थे, 8 जने बंदे थे जो है ना, मतलब मारा था यहाँ पे छाती छाती पे। आप लोग पहचानते हो? बाहर नहीं निकलती मैं, अंदर आए थे ना, जब बोले जसोदा मेरे ना लग गई, मेरे दर्द आ रहा है किस चीज से, कभी जब 5-7 आदमी ने मारा था, बस इतनी सी बात हुई, दम ही तोड़ दिया। उदयपुर की घटना अलग है, वो दो बच्चों का आपसी, और अब जयपुर में घटना घटी रात्रि को। घटना के तुरंत पश्चात मैं परिवार के पूर्णतः साथ हूँ, निंदा करता हूँ, घटना दोबारा न हो, अपराधियों में और लगाम हो, उसके लिए पूर्णतः सरकार
तैयारी कर चुकी है और पूर्णतः आप देखें 8 महीने से लॉ एंड ऑर्डर का पालन है, तभी तो देखो साइबर क्राइम खत्म हो गया जयपुर में, राजस्थान में, अलवर में, जहाँ जहाँ अड्डे थे छापेमारी हो रही है, साइबर अपराधी सलाखों के पीछे है। पेपर लीक माफिया 5 साल तक कांग्रेस के संरक्षण में अनैतिक काम यहाँ कर रहा था, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा था। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में भाजपा की जैसी सरकार बनी, पेपर लीक माफिया जेल के अंदर है। इसी प्रकार से आप यहाँ देखें कि लॉरेंस और पता नहीं कितने प्रकार के गैंग माफिया फिरौतियों के कार्यालय यहाँ खोल के बैठे थे। जयपुर में आए दिन दुर्घटनाएं घट रही थी पिछली कांग्रेस शासन में, तो यह माने लॉ एंड ऑर्डर जीरो था, लूट की तो सरकार थी थी, साथ में अपराधियों का अड्डा भी था। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के आने के तत्पश्चात आप देखें तेज गति से लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है और अपराधी सलाखों के पीछे हैं। और ये माने कि जो मात बहने से लेकर और चारों तरफ जैसे अपराधी घटनाएं हो रही थी वो एक प्रकार से जीरो पे आ गई। फिर भी ये जो घटना घटी है, दो घटनाएं घटी है, इसका बड़ा दुख है और हम पूर्णतः पीड़ित परिवार के साथ हैं। उनकी जो मदद हो सकेगी पूर्णतः हम भी हैं और सरकार करेगी। अभी कुछ जांच के विषय हैं कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार भी है। और अपराधी एक सलाखों के पीछे आ चुका है, दूसरे को पकड़ने के लिए टीम जा चुकी है, तो ये माने कि अपराधी अब कोई ज़्यादा दूर नहीं है और इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये भी मैं आपको पूर्णतः विश्वास देता हूँ, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है। ये आम आदमी हो या कोई वर्ग विशेष हो, कोई भी हो, सबके लिए समान रूप से काम करने वाली है। तुष्टिकरण का काम नहीं होता, न भेदभाव होता। यहाँ पर अपराधी कोई कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, जब बड़े बड़े ग्रुप और बड़े बड़े गैंग पकड़े गए हैं, सरगना पकड़े गए हैं, तो ये अपराधी ज़्यादा दूर जाने वाला नहीं है, जल्दी पकड़ा जाए। सरकार की तरफ से कितना अनुदान बातचीत हुई? वो बातचीत चल रही है, कुछ देर में सूचना आ जाएगी। मैंने मेरी ओर से बच्चों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की निवेदन किया है, जो मैं कल परसों में इनको परिवार को दे दूंगा। और हम लोग और भी प्रयास कर रहे हैं, और भी करेंगे। सरकार की तरफ से भी इनको पूर्णतः आश्वस्त हैं कि पूर्णतः सरकार भी इनकी मदद को तैयार है। अभी कुछ देर में समाचार आएगा और आपको सामने दे दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जो ज़्यादा ज़्यादा इनके हित में होगा, जो ज़्यादा ज़्यादा इनको मिल सकता है, मिलना चाहिए, उसके लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं। सरकार भी इनकी है, हम भी इनके हैं और सब मिलकर इनकी पूर्णतः मदद करेंगे। धरना कुछ ऐसा नहीं है, परिवार तो पीड़ित है, तो पोस्टमार्टम हो ही रहा है, रिपोर्ट का इंतजार है, वो जो प्रोसेस है वो होगा और कुछ देर में सूचना भी आ जाएगी। और अभी सब लोग परिवार के साथ पूर्णतः जो उनका काम कराना है अंतिम संस्कार का, वो कराएंगे विधि विधान से।